दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दे। सीताराम बेटा कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो आप सभी, हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। पुनः मन ही मन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो, दादा गुरुजी को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ है साचू पर अटूट उपाय है, जिन भक्तों के परचा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदरा का बंद कर देते हैं, महीने में एक बार अथवा दो महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार की पेशी शुरू कर देते हैं, तो बिना परचा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। आप सब जो भी अर्जी लेकर आए हो, मन ही मन तीन बार बोल दो, ओम 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से सात बार उतारा कर लो और पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से सात बार, इसे पीछे की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा हो स्पर्श करा दो। बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों की, एक बार जोरदार ताली बजाओ पुष्पेंद्र गौतम जी को और बिजेंद्र गौतम जी को, कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी व्यवस्थापकों को, जिन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा जिसमें सभी विद्यार्थियों से संवाद हो पाया। मेरे बच्चों, तुम पढ़ो और बढ़ो, एक सूत्र याद रखना, अपने जीवन में तुम्हें व्यस्त होना है, अस्त व्यस्त नहीं होना है। क्या होना है? ये शिक्षा घर लेकर जाना, अस्त व्यस्त व्यस्त होना है। अस्त व्यस्त होगे कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, व्यस्त रहोगे अपने काम में, मस्त रहोगे तो तुम समस्त प्राप्त कर जाओगे। बोलो जय सियाराम। फिर कभी हम मिलेंगे, अगली बार दिन में मिलेंगे। और इस बच्चे ने हनुमान चालीसा बनाया है, कुशल तिवारी ने,
बागेश्वर धाम हनुमान चालीसा। अब इसको पहले हम पढ़ेंगे फिर विमोचन करवाएंगे, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं, पहले हम पढ़ ले माले। सर पे हाथ का ते तो मुड़ई धल ले, ले माला ले ले पगला, खुश रहे खुश मेरो प्यारो बेटा। अच्छा बच्चों कैसा लगा आज? बहुत देर हो गई तो दुखी तो नहीं हो, नाराज तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो गए? जाओ सभी बच्चों की अर्जी लग जाए और तुम सबको नौकरी मिल जाए, सफलता भी मिले। बागेश्वर धाम आते हो कि नहीं? आया करो। मस्तक पर तिलक लगाते हो कि नहीं? लगाया करो। सनातन के गीत गाया करो और मेरे युवानों सदा मुस्कुराया करो। बोलो जय सियाराम। अब हम यहां से तीन कार्यक्रम अभी और हैं, आज सब लेट लेट चल रहे हैं, इसलिए हमको आगे जाना है। तुम मुस्कुराते रहो, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। जय सियाराम। अरे जोर से तो बोलो, जय हिंदू राष्ट्र। हमको जाते जाते एक शायर की बात याद आ गई, कहो तो सुनाए सुनाए। एक शायर हमसे कहते थे, सितारों को आंखों में महफूज रखना। कह दो वाह वाह। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, हनुमान जी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम, जय हनुमान जी महाराज, जय बालाजी महाराज। और पुनः कृष्णा यूनिवर्सिटी के सभी विद्यार्थियों को साधुवाद, गौतम परिवार को साधुवाद, माताजी को जय सियाराम, दोनों भाइयों को आशीर्वाद। भगवान करे बिजेंद्र जी को, पुष्पेंद्र जी को काऊ की नजर ना लगे, खूब भगवान की कृपा रहे। भोपाल वाली, भोपाल का विद्यालय यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आर्यावर्त विश्वविद्यालय, वो भी खूब चले। और कभी भी समय निकाल के अब हम यहाँ दिन में आएंगे, ठीक है? और आज तो आए। जय सियाराम। पीछे वाले श्रोताओं को भी जय सियाराम। तुम्हारे ऊपर हमारी नजर तो गई है, लेकिन हमें लगे जे भी पड़वे वाले है बैठे। अभी समझ में आए कि ये तो दर्शन वाले अगला पगला बैठे हैं बागेश्वर हनुमान जी के। जय हो सीताराम माताओं, खूब आशीर्वाद सीताराम, खुश रहो।